smallest number by which eight thousand seven hundred eighty eight must be divided so that the quotient is a perfect cube. तो इस क्वेश्चन में बताए थे ना तुमको कि जब डिवाइड बोलेगा तो तुम क्या करना, फैक्टराइजेशन करो और जो नंबर बच जा रहा है उसको क्या करो डिवाइड करके, जिसका पेयरिंग नहीं हो पा रहा है उससे क्या करिए डिवाइड करके उस नंबर को इससे क्या कर दीजिए फ्री कर दीजिए। तो यहाँ पर भी तुमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। 8 7 8 8 का जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन उसे होगा ना, उसे होगा तो कितना बार में 4 बार में 8 बार फिर हो जाएगा है ना, 9 बार में 18 फोर तो 2 से करेंगे फिर से क्या हो जाएगा, 2 बार में 4 2 2 आ जाएगा 19 है ना, 9 2 18 बचेगा 9 7। अब देखो क्या है, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, चेक करो 3 से देखो 2 से नहीं जाएगा 1 कैसे बोला। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 9 और 10 और 7 8 9 13 से 19 हो जा रहा है तुम्हारा, किससे 3 से 13 13 से जा रहा है तो 13 से कितना बार में 13 बन जा 13 कितना बच गया तुम्हारे पास, उधर बच गया 7 8 8 89 13 का टेबल में 89 या 89 से कम कितना बार में बताओ, 13 के टेबल में कितना बार में आएगा आपके पास, क्या है 169 नहीं चाहिए ना, 2 डिजिट है। यहाँ पर देखो 2 ही डिजिट दिख रहा है ना, 3 डिजिट कैसे ले रहे हैं आप, आपको क्या चाहिए देखो 13 बन जाए 13 हो गया है, यहाँ पे कितना बचा है आपके पास देखिए तो आपके पास इधर पे कितना 13 के बाद 7 8 89 है तुम्हारे पास 78 78 कितना बार में 6 बार में 78 खत्म हो गया, 89 में देखो 78 चला गया कितना बचा तुम्हारे पास, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पे कितना 7 में से 8 1 है ना 11 तुम्हारे पास 117 कितना बार में 9 बार में अब क्या है 13 का स्क्वायर 13 के टेबल खत्म हो गया है ना, चलो यस सर हो गया आगे देखो। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है 8 7 8 8 है ना, इसको कैसे लिख सकते हो देखो 2 × 2 × 3 × 13 × 13 × 13 अब बताओ कौन से नंबर से इसको डिवाइड कर दे कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 13 से क्यूब आ होता है 13 का जो पेयर बन रहा है ना, इस 4 का पेयर नहीं तो क्या कर देंगे 2 × 2 से डिवाइड कर देंगे ठीक है, 2 × 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 इस 2 को खत्म कर देगा, ये 2 इस 2 से खत्म कर देगा, मतलब क्या आपको क्या करना होगा लिख मत देना पढ़ने, आपको क्या करना होगा तो लिखना होगा क्या, सो 8 7 8 8 मस्ट बी डिवाइडेड डिवाइडेड बाय कितना 4 4 तो आपका क्या हो जाएगा जो आंसर चाहिए मिल जाएगा, क्लियर है? यस यस सर नोट कर लो। अच्छा पिछला क्लास में जहाँ हम लोग डाउट पे थे वहां बताओ, पिछला क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रहे थे ना क्वेश्चन तो हम लोग क्या कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क का, आप अवेलेबल हैं क्लास में? देखो हमको एक याद है कि ऐसे करके कुछ था 1331 करके था, गेस करने के लिए बोला जा रहा था
किसका क्वेश्चन था वो? फ्री हो क्लास में? हो गया सर, सर हो गया। और किसी का कोई डाउट है? यस सर, यस सर, यस सर। बोलो बोलो। सर स्क्रीन पे दे रहे, स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? कौन सा? ये वन नंबर, वन नंबर ना, नंबर बोलो, नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। टू, टू नंबर। टू क्या है? क्लियर नहीं दिख रहा है ठीक से, उसको कैमरा के सामने लाओ। क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन पढ़ दो, तू क्वेश्चन पढ़ दो। जीरो पॉइंट फाइव वन टू है क्या सर? फाइव वन टू है। अच्छा, जीरो पॉइंट फाइव वन टू बाई क्या है? ऐसे करके जीरो पॉइंट थ्री फोर थ्री। तो देखो ये तो बहुत आसान है, तुम लोग, हम लोग सीखे हैं ना? क्या क्या सीखे हम लोग बताओ तो? हम लोग के पास ये फाइव हंड्रेड टू है, बताओ तो किसका क्यूब होता था? हम लोग क्या सीखे थे किसका बताओ? सर एट का। एट का, वेरी गुड। और हम लोग थ्री फोर थ्री किसका था? सेवन का। सेवन सेवन का। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? देखो हम क्या सिखाए थे, फाइव वन टू को फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपके पास फैक्टराइज करने से कुछ इस तरीके का एट इंटू एट इंटू एट आएगा, ऐसे करके कुछ सीखे थे ना हम लोग। और तुम्हारे पास क्या है? थ्री फोर थ्री है, फैक्टराइज कर लेना, तो सेवन इंटू सेवन ऐसे करके। अब यहाँ पे जीरो पॉइंट है, तो मतलब क्या, जरा सा सोचो तो क्या होता होगा? जीरो पॉइंट एट इंटू जीरो पॉइंट एट इंटू क्या, थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जीरो पॉइंट एट इंटू जीरो पॉइंट एट इंटू जीरो पॉइंट एट। और इसको क्या लिख सकते हैं? जीरो पॉइंट सेवन इंटू जीरो पॉइंट सेवन इंटू सेवन, जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा? सेवन। सेवन। अब तुम्हारा बताओ यहाँ पर इसको तुम क्या लिख सकते हो? जीरो पॉइंट एट, जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन, जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट सेवन। हाँ बिल्कुल। तो बताइए ये रूट के बाहर निकलेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? जीरो पॉइंट एट बाई जीरो पॉइंट एट बाई जीरो पॉइंट सेवन, जीरो पॉइंट एट पॉइंट, हाँ जीरो पॉइंट एट बाई जीरो पॉइंट सेवन। और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 8/7। यस सर, यस। देखो ओलम्पियाड वगैरह का क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएगा, इतना तक हम लोग सीख लिए। देखो अभी हम, अच्छा सर अधीर सर, अधीर सर है क्या? अधीर सर है। अच्छा, और किसका डाउट है बताओ? सर क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4741632 बाय एस्टिमेशन मेथड। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया, बोलो क्या नंबर बोलो? 4741 4741 632 yes sir by एस्टिमेशन मेथड। यस सर। देखो सबसे पहले एस्टिमेशन मेथड क्या होता है वो समझ लीजिए। एस्टिमेशन मतलब क्या, आप अंदाजा लगाते हैं ठीक है ना, कि आंसर क्या हो सकता है ठीक है, उस हिसाब से हम लोग। यस सर। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसमें जब भी एस्टिमेशन मेथड का बात किया जाएगा ना, तो नंबर्स को दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, दो ग्रुप। यस सर। पहला क्या आपका ये फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप देखो हम लोग सीखे थे, याद करो हम लोग जब स्क्वायर नंबर का फर्स्ट ग्रुप तीन का होगा।
तीन का होता है स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे लोग बताओ 576 मान लो लिखा होगा हम लोग क्या पढ़े थे स्क्वायर वाला में एक ग्रुप में दो नंबर और बचाव में कितना नंबर आ जाएगा बचाव वाला ग्रुप में है ना यस सर आपका भी वही रूट काम करेगा कि आपके पास क्यूब रूट निकालना है तो एक ग्रुप में कितना नंबर रहेगा तीन और ये दूसरा कहाँ रहेगा दूसरा ग्रुप ठीक है यस सर यस सर अच्छा चलो इसमें कुछ और भी देखते हैं हम लोग ठीक है जल्दी जल्दी से बताते जाना सबको तुम लोग को याद है कि वन का क्यूब कितना होता है वन एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर सबको याद हो जाना चाहिए ठीक है याद है सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो अब जरा सा ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देख लो ऑब्जर्वेशन क्या है ध्यान से देखना देखो आपके पास जो क्वेश्चन होगा ठीक है मान लो तुमको जब बोला जाएगा क्यूब रूट निकालो तो समझो जरा सा आपके पास ये सारा नंबर जो है ये सारा नंबर देखो इधर वाला का जितना नंबर है इसी सब का तुमको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाएगा हाँ या ना यस सर तुमको बोला जाएगा क्या कि 720 का 729 का क्यूब रूट क्या होगा या फिर एक्स वाई जेड जो भी नंबर होगा उसका क्यूब रूट क्या होगा सही बात है सारा नंबर में ना कुछ पॉइंट कॉमन होता है वो बात बता देते हैं सारा नंबर का बन जाएगा क्या कॉमन होता है नंबर देखो जब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में अगर वन है तो लास्ट में वन होगा क्यूब रूट आएगा वन होगा क्या होगा वन वन क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में अगर फोर होगा तो जो आंसर होगा तो फाइव होगा तो सिक्स नाइन होगा तो नाइन जीरो होगा तो जीरो जीरो चेंज क्या है बस वो भी जान जानो अगर टू का बड़ा एट रहता अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में होगा तो आंसर एट होगा अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में सेवन सेवन टू होगा अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में सेवन तो आंसर के यूनिट प्लेस में थ्री क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में आपके पास थ्री तो आंसर सेवन अब हम लोग का काम हो जाएगा जल्दी से बता दो यहाँ पे क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में टू है तो आंसर के यूनिट प्लेस में वेरी गुड तो पहला हम लोग को पता चल चुका है कि पहला ग्रुप का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका एट आएगा eight. अब आपको इसके आगे का नंबर पता करना है तो पता करो कि 4741 जो है किन दो नंबर्स के 14 15 17 एक एक करके बोलो सब ऐसे बोलोगे तो फिर तो सुनाई भी नहीं देगा ना तुमको जाना है कहाँ पे छोटा वाला की तरफ हमेशा कहाँ जाना है सर 148 आंसर हो रहा है सर हमेशा जाना है वाले की तरफ तो आंसर कितना हो जाएगा 148 तुम्हारा आंसर है एस्टिमेशन मेथड से आंसर चलो जल्दी सर आंसर 168 हाँ देखो यहाँ पे ये गलत है 16 या 17 के बीच में नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ से तो ये तुम्हारा 4709 होता है 16 का 16 और 17 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आंसर तुम्हारा 168 हो जाएगा 168 14 15 कौन कैलकुलेट कर लिया 168 आंसर चलिए क्लियर है तो ये तुम्हारा कहलाता है एस्टिमेशन मेथड आ रहा बात समझ में यस सर
अच्छा क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का बुक किसके पास है? एनसीईआरटी का सर मेरे पास सर है, सर है मेरे पास। पिछले क्लास में आप ही पूछ रहे थे ना, एक एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारा 1331 करके दिया हुआ था और भी नंबर दिया हुआ था। यस सर, आप ही पूछ रहे थे ना? यस सर। तो फिर अभी बोल नहीं रहे आप, उस समय हम लोग नेटवर्क की वजह से नहीं कर पाए थे, पता है ना? यस सर। तो वो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व? यस सर। गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन था, वो क्यूब और क्यूबॉइड वाला, किसका था वो क्वेश्चन? कितना क्यूब लगे, कितना क्यूबॉइड को मिलाएंगे तो एक क्यूब बनेगा, ऐसा क्वेश्चन था ना एक किसी स्टूडेंट का? नहीं सर, नहीं था। ठीक है, हमें क्वेश्चन देते हैं, हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना ये वाला? और क्वेश्चन देंगे, इसलिए हम इसको भी रखे हैं, और क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है ना? इसको हम साइड करके रख लेते हैं ताकि और क्वेश्चन करा लेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा, हम लोग का ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, तो फिर हमको अगला नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में अगला चैप्टर कौन सा है? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स सर। यस सर। सर वो डीएबी, कल डीएबी था सर। सर एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। ओके ओके, देखो हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन सर? सर एनसीईआरटी में तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग सबका सब में से मिला के पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग इसको कोई बेसिस है सर, ठीक है ना? ये सब तुम्हारा देखो एक दो चैप्टर इधर उधर रहता है, उसके लिए परेशान मत होना, हम लोग देख रहे हैं ना सब चैप्टर कर ले रहे हैं, ठीक है? हम लोग तुम्हारा एनसीईआरटी से कर लेंगे, तुम्हारा डीएवी से था और तुम्हारा एनसीईआरटी में, सब में है, आगे पीछे बस मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन को बना के बता, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन 4 × 2 × 5 विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब? चलिए बताइए जल्दी से। सर आंसर आएगा 20 क्यूबॉइड्स। 20 क्यूबॉइड्स, गुड। कैसे सर? कैसे सर देखिए बता सर, पहले समझो अगर इसको ओलंपियाड में बनाते तो कैसे बनाते, मान लो ओलंपियाड में बैठे रहते बनाते तो कैसे बनाते? सिंपल सा बात है, तुमको दिमाग में रहना चाहिए कि हमको क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो बताओ परफेक्ट क्यूब बनाने में इसको किस किस चीज का कमी है? सर एक 5 का और 2 2 का। एक 5 का और 2 2 का, तो देखो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो आंसर हो गया क्या? 20। अरे बात समझ में? यस सर। ये हम लोग अगर ओलंपियाड में बैठते बनाने के लिए तो ऐसे ही बनाते, क्लियर है ना? अब देखो हम लोग अगर स्कूल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो इसीलिए ये सब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, तो हमारा ना ओलंपियाड में दिक्कत होगा ना स्कूल में दिक्कत होगा, किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। अब चलो समझते हैं, देखो लेट कर लेते हैं कि कितना क्यूबॉइड लग रहा होगा, n नंबर्स ऑफ क्यूबॉइड लग रहा होगा, ठीक है ना? लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड,
क्या कर लिए, कर लिए ना, मान लेते हैं कि n नंबर्स ऑफ क्यूबॉइड लगे, हो सकता है n क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लिए हम लोग कि n नंबर्स ऑफ क्यूबॉइड लगेगा क्यूब बनाने में, ठीक है। अंतर क्या होता है, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूब का डायमेंशन पता करना है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन होगा बताओ। तो डायमेंशन तो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन कॉमन क्या होगा कि जितना भी क्यूबॉइड और जितना भी क्यूब, एक क्यूब बनेगा, ठीक है ना। तो जो वो एक क्यूब का वॉल्यूम होगा वो तुम्हारा सारा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर कि अलग अलग? बराबर। समझते जरा सा और, समझते थोड़ा सा और अच्छे से। देखो मान लेते कि 10 क्यूबॉइड लग रहा हो, मान लेते हैं क्या 10 क्यूबॉइड लग रहा होगा एक क्यूब बनाने, 10 क्यूबॉइड लग रहा होगा एक क्यूब बनाने, तो ये जो 10 क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा और एक क्यूबॉइड, एक क्यूब का वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में अलग अलग होगा कि बराबर होगा? बराबर 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 बराबर। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। तो बस इतना समझ में आ गया तो काम हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना। डायमेंशन देखो, लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूब, देखो क्यूब का जो लेंथ होगा, आप खुद से बताइए, क्यूब का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों क्या होता है क्यूब का? अलग अलग होता है क्यूब का, नहीं सर, सेम होता है, सेम होता है। मतलब क्या, लेंथ ऑफ क्यूब जो होगा इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा, एलसीएम ऑफ पाई, पाई टू एंड पाई। देखो यहाँ पे ये डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, क्यूबॉइड का, ठीक है। हम लोग इससे पता कर रहे हैं कि क्यूब का जो एलसीएम वो क्या होगा, टेन होगा सर, एलसीएम टेन होगा, टेन टेन कितना, टेन 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 होगा। देखो ना, 5 to 5 क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 1 5, तो 5 into 2 क्या आ गया, 10 10 10 यूनिट, 10 सेंटीमीटर जो भी हो। तो हम लोगों को पता चल गया कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आपका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 10 यूनिट होगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो। अब देखो, अब हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं। देखो n क्यूबॉइड, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड्स, n क्यूबॉइड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलो हाँ या ना? यस सर। देखो अब जरा आप बताओ n क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी दिक्कत होगा तो बोलना। सर अभी जो ये लिखे उसका बोलो, यहाँ समझ में आया यहाँ तक सर? अभी यस सर, वॉल्यूम ऑफ एन क्यूबॉइड जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा, सही बात है। अब देखो एन क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एन क्यूबॉइड इंटू एन, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं कि 7 क्यूबॉइड है मेरे पास या 10 क्यूबॉइड है मेरे पास, तो हम एक क्यूब का क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। आप देखो एन कैसे पता चलेगा, तो एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ यस सर। तो n बराबर कैसे निकलेगा, फाइव वन जा फाइव टू जा, ठीक है, फाइव वन जा फाइव टू जा। अब देखो क्या हो जाएगा, टू वन जा और टू टू जा, ठीक है। या फिर देखो और अच्छा कुछ दिखाते हैं,
एक्चुअली में क्या होता होगा, जब ओलंपियाड में हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्यू डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये टू आया, देखो टू वन जा और टू फाइव जा, देखो लास्ट में भी आंसर वही आया, टू इंटू फाइव इंटू टू, यही आया ना जी? यस सर। तो आंसर क्या आया एक्चुअली में, एन बराबर आया कितना, 20 ही आया ना? 20 यस सर। तो इतना लंबा करके भी आंसर आया 20। आ रहा बात समझ में? यस सर। इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 20 करके आंसर बता दिए। चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। यस सर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। सर एक मिनट, क्या कर लिया? चलो तब कुछ और नंबर्स का हम लोग अपना ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आज का क्लास को खत्म करते हैं। अच्छा इसमें सारा टॉपिक तो बता दिए थे, कोई टॉपिक आप लोग का बुक से कुछ छूटा हुआ तो नहीं ना है? किसी के बुक में कोई टॉपिक है जो छूटा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। बोलो क्वेश्चन कौन सा? वन नंबर। नंबर बोलोगे तब ना पता चलेगा। व्हाट द रेंज सर? इवैल्यूएट बोल। इवैल्यूएट कहाँ है दिखाओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाओ। सार्थक इन पे लाओ क्वेश्चन। सार्थक क्वेश्चन नहीं आ रहा। नो सर आर्यन। इवैल्यूएट वाला ना? यस सर। थोड़ा सा उसको दूर करो तब दिखेगा ना। क्या है तुम्हारे पास? 27 है ना? नो सर सर लंबा है सर। 288 का क्यूब है पहले। 288 है फिर सर उसके अंदर 72 चलो कोई बात नहीं, देख लेते। देखो यहाँ पे कितना आसानी से हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे बताओ 27 का 27 का क्यूब रूट कितना? से डायरेक्ट आ गया तुम्हारे पास 288, इधर कितना हो गया? और यहाँ पे 7 इंटू कितना हो गया? 3। अब देखो 72 इंटू 3 करे तो कितना आएगा? 216। तो देखो कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 7 3 21। यस सर। अब इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर? जल्दी से बताओ, सही बताना गलत बता देना। 1728 1728 तो नहीं आएगा, ये उतना तो कम नहीं आएगा। 6 2 2 0 8 यही बोला ना जी? यस सर। यस सर। देखो अब इसका क्या करना है, इतना आया। अब क्या सीखे हम लोग? एस्टिमेशन लगा लो, एस्टिमेशन से लगा के इवैल्यूएट कर लो। इससे कितना आएगा बताओ? 2। इससे आ जाएगा कितना? 8 है तो 2 आ जाएगा। और 68 होगा सर। 42 62 देखो 62 तो हमारा किसके किसके बीच में? देखो 64 यहां पर 62 होगा कहीं पे सर। 32 हो रहा है सर। 4 के बीच में सर। 32 सर। 32 हाँ तो आंसर हो जाएगा क्या? 32। आंसर चेक कर लो। और बोलो सर। आंसर 12 है क्या? सर 12 है सर। 12 आंसर है सर। ये सर 12 आंसर है। यस सर। क्वेश्चन का फिर से दिखाना ना सर। 126 6 का क्यूब है सर। 126 6 क्यूब है। 216
2116 क्या मतलब नहीं समझ पा रहे हम क्या क्वेश्चन तो 6 का है ना सर क्यूब अच्छा इसको अलग करके किया मतलब ये इंटू में तुम्हारा तो है 6 का तो ऐसे लिखा हुआ है क्या इसको तुम्हारा 6 × 288 ये आंसर क्या लिखा हुआ है ये बताओ आंसर क्या लिखा हुआ है नो सर 12 लिखा हुआ है यस सर यस सर 12 1 सर 72 × 3 क्या अंडर क्यूब है क्या क्या एक बार क्वेश्चन दिखाओ 72 × 3 अंडर क्यूब है 72 × 3 क्यूब है पर तो सन दिखा रहे सर अच्छा 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 हां हां ठीक समझ गए ओके ओके ठीक है अब आंसर चेंज हो जाएगा सही है वाला था ठीक हां तो ये तुम्हारा हो जाएगा देखो कैसे 288 और यहां से कितना आ जाएगा इसकी वजह से आ जाएगा 6 ठीक है ना अब इसको इंटू करो 6 तो ये कितना आ रहा था बताओ नो सर 1728 अब इसको क्या करना है दो पार्ट में फिर से स्प्लिट कर लो एस्टिमेशन लगा रहे हैं ठीक है ना स्कूल में हो सकता है आपको बोला जाएगा कि आप इसका लॉन्ग डिवीजन करके बताइए ठीक है आप लॉन्ग डिवीजन करके स्कूल में निकाल दीजिएगा एस्टिमेशन लगा के बता दे रहे हैं देखो इसके लिए क्या आएगा लास्ट में टू और टू चलो नोट कर लो स्कूल में लॉन्ग डिवीजन से करना है ठीक है नंबर में तो कट जाएगा सर इसके बाद सर कौन सा चैप्टर सर यूक्लिड एक्सपोनेंट एंड रेडिकल ये हो गया ना यस सर ठीक है अभी देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा देते हैं ठीक है अगले क्लास से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर क्या एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स है सर यस सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी तो कर सकते हैं प्रैक्टिकल सर एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स सर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स यस एक्सपोनेंट एंड रेडिकल आर एस अग्रवाल में प्लेइंग विद नंबर्स क्या है आर एस अग्रवाल में प्लेइंग विद नंबर्स यस सर एनसीईआरटी में भी है लास्ट चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स है यस सर तो देखो हम लोग देखो सब में से एक एक चैप्टर लेके चलते हैं तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स कर लेते हैं yes, उसके बाद जो तुम्हारा कौन सा अभी आप प्लेइंग विद नंबर बोले ना यस यस सर उसके बाद हम लोग प्लेइंग विद नंबर कर लेंगे ठीक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसके बाद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लेंगे ठीक है सर सीबीएसई में नहीं है सर सीबीएसई में नहीं है लेकिन आपका ये डीएवी में होगा सर एनसीईआरटी डीएवी में नहीं है सर सर एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में डीएवी में नहीं है सर एनसीईआरटी में तब तो हो गया ना वो चलो ठीक है कोई बात नहीं तो किसी किसी का कोई कोई टॉपिक नहीं होगा लेकिन हम लोग सबके लिए पढ़ लेंगे सब कुछ पढ़ लेंगे टेंशन मत लो जितना का जरूरत है हम लोग उससे ज्यादा ही पढ़ लेंगे चलिए आपके कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे देखो नंबर लिख रहे हैं हम ठीक है तुम लोग जल्दी जल्दी से बताते जाना देखो वहां पे कुछ लिखिए आप लोग का हेल्प करने के लिए 970299 970299 जल्दी से बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा 99 चलो बहुत अच्छा मतलब आप लोग सीख चुके हैं यहाँ से क्या आ जाएगा लास्ट में 9 है तो बिल्कुल 9 आएगा और 970 है मतलब 729 जाएंगे छोटा वाला की तरफ तो हो गया 9 वेरी गुड चलो और कुछ क्वेश्चन देते हैं जल्दी जल्दी से बताते जा इसका बता दो 9 क्वेश्चन है 941192 बता दो
सर 48 यहाँ पर देखो इस तीन में लास्ट में टू है तो कितना आएगा और यहाँ पर देखो 941 है 941 कहाँ पे होगा यहाँ पे कहीं होगा 98 आंसर क्या हो जाएगा 98 ठीक है 48 नहीं होगा और क्वेश्चन देते हैं अच्छा एक चीज अच्छा पहले क्वेश्चन दे देते हैं दोस्तों चलो इसका बताओ 2197 जल्दी से बताओ 27 छोटा वाला की तरफ है ना दो क्वेश्चन और देते हैं फिर कुछ और दूसरा चीज सिखाते हैं क्वेश्चन है चलिए 42875 जल्दी से बता दो 35 चलो इसके वजह से क्या आएगा 27 यहाँ पर होगा ना इधर जाएगा यस सर देखो कितना मतलब बड़ा बड़ा नंबर का आप लोग कितना तेजी से कर ले रहे हैं समझ में आ रहा है ना यस सर चलो ठीक है बस इसे यही देखना है ठीक है एकदम तैयार रहना है जवाब देने के लिए सर हाँ बोलिए सर हमेशा सर छोटा ही नंबर की तरफ जाएगा हमेशा छोटा नंबर की तरफ चलिए इसका बता दो चलो कंपटीशन हो रहा है तुम लोग में कि कौन पहले बताएगा है ना यहाँ पर 6 है तो क्या आएगा 17 तो 17 किसके किसके बीच में 2 और 3 गुड चलो ठीक है यहाँ तक क्लियर है गुड ऐसे ही करके एकदम जवाब देते रहना ठीक है यस सर चलो कुछ और सीखते हैं हम लोग देखो एक चीज और है पैटर्न देखो देखो यहाँ पे 1³ - 0³ ठीक है और देखो यहाँ पे 2³ - 1³ और देखो थोड़ा नीचे लिखते हैं 2³ - 1³ -2³ और यहाँ पर देखो 4³ - 3³ तो इतना तक लिखते हैं जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर 37 गुड वेरी गुड अब देखो यही सब नंबर आते जा रहे हैं उसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ेंगे बताओ यहाँ पर मान लो लिखते 5³ - 4³ तो क्या आता 34 61 गुड
देख रहा है ना, नंबर आते जा रहा है, नंबर आते जा रहा है। देखो ये कुछ और पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। पैटर्न्स को क्या फॉलो कर रहा है ध्यान से देखो। इसमें तुम क्या लिख सकते हो इस नंबर के लिए बताओ तो? इस नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो वन प्लस वन इंटू जीरो बाय क्या लिख सकते हैं? टू इंटू सिक्स। आंसर क्या होगा बताओ तो? जीरो। ये वाला सारा जो है, ये वाला सारा जो है कितना बन जाएगा? अब देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं वन प्लस टू इंटू वन बाय टू इंटू सिक्स सिक्स सेवन एट आएगा सिक्स आएगा सिक्स आएगा इसका बताओ इसका कैसे लिखेंगे? तो देखो पैटर्न को समझ लेना, सिर्फ पैटर्न समझाना चाहते हैं काम हो जाएगा तुम्हारा। सर वन प्लस वन प्लस थ्री टू वन थ्री इंटू वन बाई टू थ्री एक एक करके बोलो, सब बोलोगे तो आवाज में नॉइज हो जाएगा। थ्री इंटू वन एटीन होगा, एटीन थ्री इंटू वन नहीं होगा, थ्री इंटू टू होगा। पैटर्न समझाना चाह रहे, पैटर्न तुम समझ नहीं रहा। पैटर्न क्या है देखो, पहला वन था फिर टू हुआ फिर क्या हुआ थ्री हुआ, फिर देखो यहाँ से जीरो था, जीरो से वन हुआ, वन से टू हुआ, एटीन सिक्स की जगह पे सिक्स ही है और टू की जगह पे क्या? अगला वाला बताओ यहाँ पे क्या होगा? फोर इंटू थ्री फोर इंटू थ्री बाई टू इंटू सिक्स इंटू सिक्स। ये बताओ फाइव इंटू फोर बाई टू फोर बाई सिक्स इंटू सिक्स। ठीक है पैटर्न समझ में आ रहा है ना? यस सर यस सर। अब देखो ये पैटर्न है, अभी ये पैटर्न क्यों समझ रहे हैं हम लोग, क्यों पैटर्न समझ रहे हैं ज़रा ध्यान से बताना। अगर आप तुमसे पूछे ठीक है ना, अगर हम तुमसे पूछते हैं जैसे देखना यहाँ पे, हम तुमसे पूछते हैं बताओ कि एट का क्यूब माइनस सेवन का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या करिएगा? पहले एट का क्यूब निकालिएगा, फिर सेवन का क्यूब निकालिएगा, फिर माइनस करिएगा, यही ना करिएगा? यस सर यस सर। ऐसा भी अब तो नहीं ना करना पड़ेगा, अब तो हम लोग ये वाला सीख गए हैं। तो ये वाला सीख गए हैं तो क्या हो जाएगा देखो, वन होगा, फिर हम लोग क्या देख रहे थे, फिर यहाँ फाइव था तो यहाँ पे फाइव था है ना, फोर नाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे एट हो जाएगा है ना, और कम फाइव से कितना कम यहाँ पे कितना यहाँ फोर होगा देखो यहाँ आ रहा बात समझ में? यस सर। पैटर्न समझ में आ गया? यस सर। ठीक है इसी से आंसर आएगा, एक बार इसको चेक कर लेना, चेक कर लेना तुम लोग अपना। तो देखो उसी तरीके से तुमसे कोई बोलेगा कि बताओ थर्टीन का क्यूब माइनस ट्वेल्व का क्यूब, तो क्या लिख दीजिएगा? 13 प्लस 13 इंटू ट्वेल्व बाय टू इंटू सिक्स। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यही मेथड यूज होता है कहाँ पे, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा अच्छा चीज सीख रहे हैं, सब कुछ याद रखिएगा सारा चीज तुमको स्कूल में, और साथ ही साथ तुम्हारा जितना ओलंपियाड और दूसरा कंपटीशन का एग्जाम है सब में काम देगा ठीक है ना, इतना चीज सीख रहे हैं। कितना सारा सर तरीका है सर, हो गया ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो हम क्वेश्चन देते हैं, कुछ बताना ठीक है। क्वेश्चन में हम दे रहे हैं क्या,
कि तुमको परफेक्ट क्यूब निकालना है सब्ट्रैक्शन मेथड से. क्या निकालना है? सब्ट्रैक्शन मेथड. परफेक्ट क्यूब. हाँ, देखो क्वेश्चन लिखते हैं. फाइंड, पहले आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. चलिए बना के बताइए कैसे होगा. पहले हम एक तुमको समझा देते हैं, तुम खुद बता देना. देखो 216 था पहला वाला, जो कितना आया था पहला वाला जो किए थे, 1 का क्यूब माइनस 2 कितना आया था, 1. इसमें माइनस क्या होगा, 1. तो आ जाएगा कितना, 215. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में अगला क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना आया था, 7. यहाँ पे माइनस होगा क्या, 7. 7 अगला क्या आया था, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना आया था, 19. तो क्या माइनस होगा, 182. अगला क्या होगा माइनस, 5 माइनस 4 का क्या था, 61. कितना आएगा, माइनस करो, 91. अगला का क्या आएगा बताओ, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब कितना आएगा, तो चेक कर लो ना, नहीं पता तो देखो क्या हम लोग सीखे थे, 1 प्लस 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 6 91. इंटू कर लिया, yes, तू यहाँ पे 15 इंटू 6 19 कैसे आया, यहाँ से अभी तो एक पैटर्न हम लोग सीखे थे कि 216 को पहले 1 से फिर 3 से फिर 7 से फिर वो स्क्वायर में होता है. वो तुम्हारा कहाँ सीखे थे हम लोग, स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में. क्यूब के लिए ये पैटर्न काम करेगा, क्यूब के लिए ये पैटर्न क्लियर है. यस सर, यस सर. पहले क्वेश्चन देते हैं तब और क्लियर हो जाएगा. पहले क्वेश्चन दे देते ठीक है. चलो बड़ा क्वेश्चन नहीं, ऐसे इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये भी याद रखना. बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस मेथड से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको सीखना है. चलिए इसका बना के बताइए. जो क्या होगा कॉपी 9 आया. यस सर. सेवेंथ स्टेप में कितना माइनस किया, 7 लग रहा है कैलकुलेटर से. हाँ हमको भी लग रहा है. इसीलिए हम पूछे 7th स्टेप में कितना माइनस किया गया, क्योंकि 6th स्टेप का तो बता देगा, यहाँ में 6th स्टेप था. तो बाबू आपको क्या करना है ना, कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरे से पूछो, लेकिन पूरा काम करो ठीक है ना, एकदम तैयार हो एग्जामिनेशन के लिए. 5 इधर नाम में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा. 6 6 5 minus 61 = 6 0 1 6 0 4.
6 0 4 1 6 9 among 6 9 can say 91 is equal to 1 3 3 10 7 8 5 5 5 1 3 1 plus 7 into 6 divided by 2 into 6 यहाँ गया 7 6 7 6 48 3 8 जा 24 का 2 हाथ में बचा 3 4 जा 12 50 2 40 1 4 1 4 4 9 = 13 में से 4 जाएगा 12 में से 4 गया तो बचे मेरे पास 8 तो 9 बचेगा तो अब यहाँ पे मेरे कितना बचेगा अब यहाँ पे 0 बचा तो इससे लेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा 369 - 169 हो गया इतना टाइम लगेगा टेस्ट तो कर भी लिखिए नहीं हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर लास्ट वाले में नहीं कट रहा है लास्ट में 227 आया उसके बाद 729 को 512 से माइनस किए तो 221 आया अच्छा चलो तब चेक करते हैं बनाते हैं तो आपके पास है 729 पहले स्टेप में क्या माइनस होगा स्टेप 1 में क्या माइनस7 7 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
क्या माइनस होगा? 37 कितना होगा? 675 अगला फिफ्थ स्टेप में क्या माइनस होगा? 61 कितना आया? 614 अगला स्टेप में क्या माइनस होगा? 91 कितना आया? 523 अगला स्टेप में क्या माइनस होगा? ये 127 यहीं पे कहीं पे तुम लोग का गड़बड़ हुआ है। पहले तो देखो सेवन स्टेप का क्या माइनस करना है। तो सेवन स्टेप में मतलब क्या, देखो सेवन स्टेप वाला बता रहे हैं, वन प्लस क्या हो जाएगा, सेवन माइनस सेवन इंटू सिक्स बाई टू कितना हो जाएगा? टू इंटू थ्री, ये हो जाएगा वन प्लस सेवन इंटू थ्री इंटू सिक्स कितना आ रहा है बताओ तो, सेवन इंटू थ्री इंटू सिक्स तो 6 3 18 7 into 18 यही आ रहा है ना। चलो 18 into 7 बताओ जल्दी से बताओ।
117 आएगा सर. कितना? 134. 100 देखो, इसका 106 और ये 126 और ये 127 हो जाएगा. यस सर. माइनस करना था 91 के बाद, क्या माइनस करना था? 127 सर, वही किए थे. अच्छा सर, वही है सर. लास्ट स्टेप वाला क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस आएगा और प्लस 1 करेंगे 169. सर वही चाहिए माइनस. 169 वही माइनस किए. इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? सर 396 आ रहा है. यस सर. यस सर. तो ये कितना स्टेप हुआ? 7. ये कौन सा स्टेप है? 8. 7th स्टेप था ना? 8. ये 8 स्टेप है. तो इसमें कितना 169 कितना बचा? सर ये वाला 7th स्टेप है, बचा 227. अब चलो लास्ट स्टेप करते हैं. 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब कितना आ रहा है? तो देखो 121 कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ कितना आ रहा है इसका? 216 आ रहा है. 217 फोर कर लिए तो ये हो गया 9 4 26 26 9, यही आ रहा है ना? क्वेश्चन ही कहीं गलत में ना. क्वेश्चन 729 होता है ना 9 का क्यूब. यस सर. तो क्वेश्चन तो सही है बाबू. एक बार देखो तो कहीं पे माइनस करने में गड़बड़ हुआ है क्या? तुम भी देखो, हम भी देखते हैं. ये हो गया तुम्हारे पास 729. देखो तो चेक करो जल्दी से. 729 है पहला आपका, है ना? देखिए तो आप उसमें से माइनस करिए जल्दी से. 729 पहला स्टेप पे कितना माइनस किया है? 1 माइनस किया है, ठीक है ना सर? 675 के जगह 665 होगा यहाँ पे. यस सर. यही गड़बड़ है? यस सर. यस सर. इसीलिए ना गड़बड़ लगा था तुमको. यस. तुम लोग का सुन के लिख के चले गए, हम चेक भी नहीं किए लिख के चले गए. बोल दिया हम लिख के, चेक भी नहीं किए तो गड़बड़ हो गया. यहाँ पे कितना आया था? 665 आया था. यस सर. यस सर. यस सर. तो आप चेक कर लेंगे हम. तो ये हो गया 702 कैरी 1. ये हो गया तुम्हारे पास 6 7 7 3 10 10 0. हाँ ये ठीक है. चलो अब अगला क्या माइनस हो रहा था? 91 है ना? 91 ठीक है. तो 61 सर. 61 होगा. 61 यस सर. 604 तो ये हो जाएगा 604. अब क्या माइनस होगा? 91 तो क्या मैं बचेगा आपके पास? 513. चलिए अगला बताइए. 127. तो क्या बचेगा? 386. उसके बाद क्या माइनस होगा? 169. तो क्या बचा? 217 से माइनस हो जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा 217. कितना स्टेप में आया? 0 9. तो 9 स्टेप में आया तो आपका हो गया 9 आंसर. एक तो छोटा सा क्वेश्चन देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए. तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है? इसको थोड़ा सा गलत मत करना. 4 3 जल्दी से बना दो. इसको जल्दी से बना दो करेंगे हम लोग अपने क्लास आज.
सर हो गया आया सर आया था बताओ सिक्स आ गया यस सर नो सर बना रहे सर बना रहे सर बना रहे ठीक है सबका हो गया कि बनाना होगा सर सेवन होगा सर सेवन बना दीजिए बना सेवन नो सर नो सर बन गया सेवन किसी को जरूरत है तो बोलो बनाएंगे वरना हो गया नो सर बना दे बना दे ठीक है कोई स्टूडेंट बोल रहा है बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना जी चलो जल्दी जल्दी से देखते हैं टी फोर थ्री माइनस क्या करेंगे पहला स्टेप वन वन आएगा थ्री फोर थ्री फोर टू फिर माइनस क्या होगा सेवन थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी फाइव फिर माइनस क्या होगा 19 क्या बचेगा 316 37 37 क्या बचेगा 279 फिर क्या माइनस होगा 61 क्या बचेगा 127 क्या बचेगा 127 होता है ना तुम्हारे पास क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7 बोलो हाँ या ना यस सर सबको यस सर जितना तरीका से हम लोग क्यूब रूट निकाला जा सकता है मैथ्स के अंदर हम लोग सारा सीख चुके हैं ठीक है ना ठीक है ये वाला जो आपके पास था इससे पहले वाला जो मेथड हम लोग सीखे वो वैदिक मैथ्स का भी मेथड है ठीक है ना आप लोग सुने होंगे बहुत जगह वैदिक मैथ्स ठीक है ना उसका मेथड से भी हम लोग सीख लिए और जितना तरीका से निकाला जा सकता था हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं किसी को कहीं पे कोई डाउट है नो सर नो सर तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स यस सर यस सर ठीक है फिर हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स सर रेडिकल्स है सर अच्छा ठीक पावर और रेडिकल्स से भी हो ठीक है तो हम लोग अपने मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सबको थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर